ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा का विकास खंड तोकापाल जिला बस्तर में तालाब खोदने का बहाना बना अवैध तरीके से लगभग 12,000 स्क्वायर फीट से भी अधिक भूमि का मुरूम खनन कर रोड निर्माण में खफा रहे लाखों का मुरूम स्थानीय सरपंच पति कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री बलराम मौर्य का मामला सामने आया है। तालाब खोदने के बहाने अवैध मुरूम खनन में लाखों रुपये की राजस्व की चोरी कर शासन को चूना लगाया गया। इसमें ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा की सरपंच पति जो वर्तमान में बस्तर जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री बलराम मौर्य व सचिव की भूमिका रही है। ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा सरपंच पति श्री बलराम मौर्य व ग्राम पंचायत के सचिव संग मिली भगत कर अवैध रूप से तालाब खोदने के नाम पर जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से लाखों रुपए का मुरूम डोंगरीगुड़ा नए रोड निर्माण पर खनन की जगह से जो परिवहन कर नए रोड कार्यस्थल पर डंप किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी नियमानुसार सही नहीं है। वहीं हाईवे बाईपास से सटी ये ग्रामीण की निजी भूमि है, जो 15 से 25 फीट के गड्ढे कर दिए गए हैं, जिसके चलते कभी भी गंभीर घटना हो सकती है। वहीं जब प्राइम न्यूज 24 छत्तीसगढ़ खनन स्थल पहुंची कि तभी जेसीबी चालक ने बताया सरपंच पति द्वारा ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा में ये खनन कर मुरूम को नए रोड निर्माण स्थल में डंप कराया जा रहा है, जो खनन स्थल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी मुरूम का परिवहन हो रहा है। वहीं रोजाना सैकड़ों ट्रिप मुरूम उत्खनन कर शासन को करोड़ों रुपए का चूना डोंगरीगुड़ा की सरपंच पति व सचिव द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन खनिज विभाग का नियम है कि बिना रॉयल्टी के मुरूम का खनन करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि अगर मुरूम उत्खनन किया जाता है, इसके लिए खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी जारी की जाती है। बिना रॉयल्टी के अब तक लाखों रुपए की मुरूम रोड निर्माण कार्य में डंप कर दी गई है। वहीं शहर से मात्र 7 किलोमीटर मारेंगा बाईपास हाईवे के बाजू में ही ये खनन जारी है। बावजूद खनिज विभाग के अधिकारियों की खुली छूट में मुरूम के अवैध उत्खनन अपने ठेके के कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गैरकानूनी है। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच पति श्री बलराम मौर्य, जो वर्तमान में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष हैं, से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने इन तमाम कार्यों का काम उन्हीं का है ये बात स्वीकार कर कहा कि जब खनिज विभाग इसकी जानकारी लेने आएंगे तब वे पंचायत को पर्ची दे हिसाब देंगे व तालाब खोदने का आदेश भी हमारे पास है, ये बात भी बोले। ये सब बातों से ये साबित हो ही जाता है कि पंचायत में ग्राम हित हेतु तालाब खोदा जा सकता है, लेकिन खनन स्थल से मुरूम का परिवहन करना अवैध है, जो खुलेआम किया जा रहा है। अब ऐसे में ये दिलचस्पी वाली बात होगी कि सभी सबूत होने के बावजूद भी बस्तर जिला खनिज विभाग क्या उचित कार्रवाई करेगी। वह एक और बात देखने या सोचने का विषय है कि आसपास के और भी बहुत से जगहों पर ऐसे ही तालाब के नाम पर मुरूम खनन हो चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि ये पुराने खनन कौन किए, फिर भी इस गंभीर समस्या को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए व शासन के राजस्व चोरी करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए छत्तीसगढ़ से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। किसके अंडर में काम करते हो? अभी ये जो काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो काम? आवाज से बोलो। बलराम क्या है? बलराम मौर्य। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ ले जा रहे? रोड में। कौन सा रोड बन रहा है? उधर वाला। ये जेसीबी किसकी है? बलराम मौर्य का। तो वो सरपंच है क्या? तो उसी के अंडर में काम कर रहा हूँ। किस लिए भैया?